प्यारे भैया बहन, आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी का एक्सरसाइज नंबर 60 क्या है, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना है, इसको आज हम लोग सोल्व करें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट लीटर मिलीलीटर दिया हुआ है, 6 लीटर 543 लीटर एंड 4 लीटर 443 लीटर सब्ट्रैक्ट करना है। इसको आप ऊपर लीटर एमएल लिखा उसे कोई मतलब मत समझिए, ये समझिए कि 4 डिजिट का आपका सब्ट्रैक्शन है, वो भी लगातार है। आप काम कर लीजिए, आपको कोई प्लस साइन नहीं होगा, क्लियर। अब चलिए शुरू करते हैं। 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2। 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 1। 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 1। 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 2। ये साफ साफ था, कोई दिक्कत नहीं था, कैरी भी कह लेना नहीं पड़ा। सेकंड क्वेश्चन, 5 में 6 नहीं जाएगा, कैरी करना पड़ेगा, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ से कैरी इसको देंगे 10 होगा, 10 से 20 को मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, 6 15, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया बचा 4, यहाँ कितना हुआ 7, 7 में से 3 गया कितना हुआ 4, क्लियर। 4, 7 में से 2 गया 5, क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, 3 में से 8 में जाएगा कैरी करेंगे 13, 13 में से 8 जाएंगे 8 5 8 5 13, 8 5 13 तो 5 होगा। यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 0 जाएगा 8, यहाँ कितना 9, 9 में से गया 2, 8 में से गया 1, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 8 408, 8 में से 9 नहीं जाएगा कैरी करेंगे 18, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ कितना हुआ 9, 9 में से 8 गया कितना हुआ 1, यहाँ कितना है 3, कैरी करेंगे 13, 13 में 6 जाएगा 7, 6 13, 7 6 13, यहाँ कितना 7, 7 में 3 गया कितना होगा 4, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 0 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा कैरी करेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा कितना होगा 2, यहाँ कितना 1, 1 से 0 आ गया तो बचा कितना 0, 0 में से 0 जाएगा कितना होगा 0, 5 में से 8 नहीं जाएगा कैरी करेगा 15, 15 में से कहां से करेंगे, यहां से। ये 4 डिजिट का सम सबट्रैक्शन समझ लीजिए, यहाँ से कैरी होगा, 8 में से 1 ले लिया हम लोग कितना आया 15, 15 में से 8 जाएगा कितना होगा 7, चलो हो गया। अब कितना बचा है 7, 7 में से कितना होगा 1, दिस इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 5225 एंड 5 मीटर 225 मीटर तो एमएम, 5 में से 6 ले जाया कैरी करें 15, 15 में से जाएगा कितना होगा 9, यहाँ कितना हुआ 1, कैरी किया 11, 11 में से किया 7, 7, 7 4 11, 4, 7 4 11, 1 हो गया, यहाँ कितना बचा 1, फिर कैरी किए कितना हो गया 11, 11 में से कितना जाएगा 11 में से 4 जाएगा कितना हो गया 7 4 11, 7, 7 4 11, यहाँ कितना हुआ 4, 4 में से 3 गया कितना बचा 1, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 7 नंबर क्वेश्चन से क्या, राइट इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट, कॉलम में लिखना है सब्ट्रैक्ट करना है 6 लीटर 520 एमएम 28 एमएम फ्रॉम 9 लीटर 803 एमएम, यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ये ऊपर लिखेंगे ये इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको बना देते हैं 7, क्लियर। अब इसको इरेज कर दिए, अब यहां जो है सो लिख लेते हैं, क्या है 9 लीटर तो 9 लिखेंगे यहां, वो कितना है 803, अब उसका क्या है 6 है और ये क्या है 528, इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये कीजिए, देखिए 9 है 803 है 6 है 5 है 2 है, क्लियर लिख लिया हम लोग। अब 8 में 3 में से 8 ले जाएगा कैरी करेंगे 13, 13 में से 8 जाएगा कितना हुआ 8 5 13, यहाँ कितना था 0 था कैरी किए 10 था, इसको दिए बता कितना 9, 9 में से 2 जाएगा कितना हुआ 7, यहाँ कितना 7, 7 में से 5 गया कितना हुआ 2, यहाँ कितना 9, 9 में 6 गया कितना हुआ 3, ये क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अब चलिए इसको भी इरेज कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्या है देख लीजिए, 7 लीटर 79 एमएम 8 लीटर 100, या 8 लिखिए या 100 लिखिए, उसके बाद 7 और 79 लिखिए, 7 लिखिए और 79 यहाँ लिखिए, इसको 3 यूनिट का बना लीजिए, ताकि हम बता चुके हैं लीटर मिलीलीटर में, मिलीलीटर का जब भी लिखिए 3 यूनिट में लिखिए, 3 यूनिट से कम मत मत लिखिए। 0 में से 9 नहीं आया कैरी करेंगे 10, 10 में से 9 नहीं आया कितना हो गया 1, यहाँ कितना है 9, 9 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 9 में से 2, अब यहाँ कितना था 0, 0 में 0 जाएगा कितना होगा 0,
अब क्या एडमिशन किया कितना का हुआ यानी एक लीटर 21 मिलीलीटर। अब ये 7 नंबर 8 नंबर बन गया। अब 9 नंबर अब इसको भी टेस्ट कर देते हैं और 9 नंबर यहां बना लेते हैं। 9 नंबर में क्या है 5 लीटर 93 एम है। यहाँ 5 लिखिए यहाँ 93 लिखिए। क्या बोले थे इसको 3 लीटर का बना लीजिए अपने तरफ से। अब देखिए 4 लीटर 800 4 है 800 है। चलिए अब सब टेस्ट कर दीजिए आप आसान हो जाएगा। 3 में से 3 जीरो जाएगा 3 होगा 9 में से 0 जाएगा 9 होगा। अब यहाँ से कैरी कीजिए 10 में से 8 गया कितना होगा 2। यहाँ कितना है 4 में से 4 गया कितना होगा 0। यानी इसका आंसर होगा 293 ml। इसका कितना आंसर होगा 293 ml। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देख लीजिए क्या है। 10 में क्या है From 4 liter 12 ml यानी इसको घटा करना ही से पहले ऊपर लिखिए 4 और यहाँ लिखे कितना होगा 12 लिखिए इसको 3 अंक बना लीजिए। ये कितना 1 लीटर और 403। चलिए अब हो गया काम। 12 में से 3 जाएगा 9 3 12 9 हो गया। ये 0 हो गया 0 में 0 का 0 हो गया। अब यहाँ से क्या लिखिए 10 में से 4 गया 6 यहाँ कितना 3 3 में से 1 गया कितना होगा 2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ऐसे आंसर का 2 लीटर 609 मिलीलीटर। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट प्रॉब्लम 18 कंटेन 7 लीटर 875 ml वाइट 75 लीटर मिलीलीटर वाइट 1 liter 350 ml is wasted due to a leak in the tin. Tin में थोड़ा सा लीकेज छेदा कहीं पर है जिस कारण से 1 liter 350 ml बह जाता है निकल जाता है। How much oil is left in the tin? तो बताइए कि टिन में कितना ऑयल है बताइए। तो ऑयल कितना टिन में 7 liter 875 ml। छेदा है लीक इसके कारण लीक है लीक हो गया कुछ तेल कितना बाहर फेंका गया बर्बाद हो गया 1 liter 350 ml यानी 1 liter 350 ml बर्बाद हो गया। तो बताइए कि टिन में कितना वायल है। तो टिन कंटेंस वायल इक्वल टू 7 liter 875 ml। लीक ऑफ वायल कितना हो गया 1 liter 350 ml। वायल लेफ्ट इज इक्वल टू 7 liter 875 ml माइनस 1 liter 350 ml। इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर बगल में हमें यहाँ पर सबट्रैक्ट कर लिया है क्या आया आंसर 6 liter 525 ml। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सबट्रैक्शन आप लोगों को सिखा दिए है आप आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में एक बोतल कंटेन्स 1 liter 100 ml ऑफ मेडिसिन। एक बोतल में 1 liter 100 ml ये 1 liter 100 ml मेडिसिन है। ईच वन ऑफ 185 patients वेयर गिवन 1 ml ऑफ मेडिसिन। एक आदमी को एक पेशेंट को 1 ml दवाई दिया जाता है और आपके पास पेशेंट है 185 patients है तो बताइए कि 185 patients को मेडिसिन यानी सुई देने के बाद कितना इंजेक्शन बचेगा यानी मेडिसिन कितना बचेगा बताइए। हाउ मच मेडिसिन इज लेफ्ट इन द बोतल। ए बोतल कंटेन मेडिसिन इज इक्वल टू 1 liter 100 ml। इसको क्या कीजिए हम लोग ml में चेंज कर देंगे यानी 1100 ml। 1 liter में 1000 ml आए 100 ml दोनों को ऐड कर देंगे 1100 ml आएगा। अब मेडिसिन गिवन टू 1 patient इज इक्वल टू 1 ml। एक पेशेंट को 1 ml दिया जाता है तो मेडिसिन गिवन टू 185 patients को कितना देंगे तो 185 ml पड़ेगा यानी 1885 ml आपका खर्च हो गया। अब बचा कितना मेडिसिन लेफ्ट इज इक्वल टू 1100 ml में से 185 ml को सबट्रैक्ट कर देंगे कितना आया 915 ml। देखिए यहाँ पर सबट्रैक्ट कर दिए हैं कितना आया 915 ml। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13, ए मिल्क मैन हैज 1 लीटर 300 ml मिल्क. ही सेल्स 5 लीटर 850 ml मिल्क. इतना सेल कर दिया टू ए पर्सन, वन पर्सन को ही भेज दिया. हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विथ हिम. तो बताइए मिल्क उसके पास कितना बचा हुआ है, सो बताइए. लिखेंगे सॉल्यूशन. ए मिल्क मैन हैज मिल्क इज इक्वल टू 1 लीटर 300 ml. He sold milk is equal to 5 liter 850 ml. Milk left with him, उसके साथ बच गया कितना, 8 liter 300 ml minus 5 liter 850 ml is equal to, यहां देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिए 2 liter 450 ml आया. लिख दिया 2 liter 450 ml. This is the answer. इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 60 कंप्लीट हो गया, यानी मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी भी आज हम लोग कंप्लीट कर लिए. इन सारे वीडियो को हम लोग देखेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से और कॉपी में शेयर करेंगे. ओके, थैंक यू.